हेलो एंड वेलकम। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए आज हम एक्सेल 365 यानी 21 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 में रैंडम डेट इंसर्ट करना सीखेंगे। कैसे? यहाँ पर रैंड बिटवीन का जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला हमें यूज करना है। ये लगा लिया। अब यहाँ पर आप लगा दीजिएगा डेट, डेट जो फॉर्मूला है उसको आप लगाइएगा। ये लगा दिया और ये लगाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है ईयर। तो हम चाहते हैं कि 2045, यहाँ देखिए ये जो डेट है ना यहाँ पर गलती हो जाती है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग डेट रखनी है। तो चलिए हम यहाँ पर 1994 रखते हैं, 1994 कॉमा यहाँ पर आएगा मंथ और यहाँ पर आएगी डेट, तो ये हमने दे दिया। अब इसको बंद करेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद वापिस से यहाँ पर डेट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे और इस बार हमें देना है यहाँ 2045। हम देखेंगे 2045, ठीक है, तो 2045 करिएगा। ये कर दिया कॉमा, कुछ भी यहाँ दे सकते हैं, जो भी आप रैंडम डेट दो डेट्स के बीच में इंसर्ट करा करके ये देगा। तो यहाँ पर अब 6 कर देता हूँ, कॉमा कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, बंद करता हूँ, वो बंद करके फिर दोनों ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये इस तरीके से आया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बदलना होगा, यहाँ से आपको फॉर्मेट रखना होगा डेट का, ठीक है। बस यहाँ से डेट का फॉर्मेट कर लीजिएगा, बाकी आपका पूरा डेट ही आता चला जाएगा। ये देख सकते हैं ये रैंडम डेट इंसर्ट होता हुआ चला जा रहा है। अब इसको मैं रिसाइज करता हूँ Alt H O I से, तो देखेंगे यहाँ पर सारे जगहों पर रैंडम डेट आपको मिलेगा। इसको जितना ही ट्रैक करेंगे आप उतना ही आपको रैंडम डेट मिलता हुआ चला जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बॉर्डर सेट कर देता हूँ इस पर Alt H B A प्रेस करके, ताकि आपको पूरा ठीक से दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर रैंडमली डेट इंसर्ट हुआ है, देख सकते हैं